सत श्री अकाल सारे वीडियो देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल उत्ते। तो अज असी इस वीडियो में डिस्कस करांगे स्टडी कैनेडा के स्टडी वीजे को लेके। तो इस वक्त मेरे नाल है करियर सेट अब्रोड तो कुलविंदर सिंह बैनीपाल जी। की हाल सर? सर बहुत वधिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला साडे चैनल उत्ते। थैंक यू सर। एंड मैं सारे दर्शकों का बहुत मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो सर अज तुसीं साडे दर्शकों को कैनेडा के स्टडी वीजे को लेके की ध्यान दे विच रखना चाहिए है? क्योंकि कई जो साडे दर्शक हैं या कई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मन कन्फ्यूजन होती है बैंड्स को लेके की अपलाई करना चाहिए है। तो मैं चाहना सर तुसीं साडे दर्शकों को दसो। सर जिस तरह सारे जानते ही नहीं जी कि अजकल अपने खास करके पंजाब दे विच एक बड़ा क्रेज़ है कि हर एक पेरेंट्स हर एक जो मापे ने चाहते ने उन्हों का बच्चा जो है जो फर्दर स्टडी है जो जाके अब्रॉड दे विच करे कनेडा या आस्ट्रेलिया वट एवर जिथे भी वो चाहते ने उत्थे करे। हर एक का यही अज अपने एक पंजाब दे विच सुपना पर उहदे बारे विच कई गल्लां जिन्हां करके रिफ्यूजल आ रही है बहुत ज़्यादा जां बच्चों अच्छे कोर्स नहीं मिलते जां अगे जाके पी आर दे विच जां वर्क परमिट दे विच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही ने। सो उन्हां दे बारे मैं तुहानू कुछ दसना चाहवांगा कि जो जदों भी आपां ने आफ्टर प्लस टू जां आफ्टर ग्रैजुएशन अपने बच्चे बारे आपां ने अप्लाई करना जो उसनू किसी भी कंट्री कनेडा जां आस्ट्रेलिया किते भी आपां उहनू अगली पढ़ाई वास्ते भेजना चाहुंदे आ तो सारिया जो मेन मेन गल्लां हैगियां उन्हां दा बहुत ही एनालिसिस होना चाहिए ध्यान दे नाल उन्हां दे उत्ते आपां नू केंद्रित अपना करके फिर ही किते आपां नू अप्लाई करना चाहिए। ठीक है सर। तो सर एक स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहती है बैंड्स को लेकर जिमें कि कई कंसल्टेंट कहें कि साढ़े पांच बैंड उत्ते भी कैनेडा में जा सकते हो कोई कहता छे बैंड होने चाहिए कोई कहता साढ़े छे बैंड होने चाहिए तो सर एक्चुअल कितने बैंड होने चाहिए जो? हाँ जी सर बिल्कुल सही सुनिया तुम अजक बहुत मार्केट के आप कह सकते हैं रौला जहा पिया हो बई इस तो पहले की सी सर इस पहले पिछले साल के तक जो सी कनेडा गवर्नमेंट के रूलों के मुताबिक बच्चे 5.5 या एक मड्यूल के 5 बैंड नाल भी वीज़ा ले सकते सी और वीज़ा आंदा भी सी पर हुण नवे रूल के मुताबिक इस नवे बरे तो जो नवे रूल स्टार्ट हुए हैं उन्होंने मुताबिक 6 बैंड ईच मतलब कि हर एक मड्यूल आप 6 बैंड लेने जरूरी ने तो असं किसी चंगे असं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आप वीज़ा प्राप्त कर सकते। ठीक है। तो सर कई बार जिमें देखने चाहिए कि स्टूडेंट्स कई बार गलों के आके या कई बार किसी अपनी आउट ऑफ फील्ड सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे जिमें कि कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नॉन मैडिकल के सब्जेक्ट चूज़ कर लेंदा है तो सर ये लेके कोई मुश्किलों का भी सामना करना पैंदा जिमें स्टूडेंट्स को कई बार रिफ्यूजल हो जाते उन्होंने वीज़ा तो सर ये बारे तुम की कहना चाहोगे? सर सर बिल्कुल तुहाड़ी गल सही है ये क्योंकि यह मैं ये तुहानूं ये दसना चाहवांगा भी वड्डी गलती तो कंसल्टेंट की है क्योंकि वह कई बार कम ज़्यादा होने करके जां स्टाफ की घाट करके मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चे की प्रोफाइल की तरफ बच्चे के मतलब काली कर जाते हैं केस लाने के की होंगे जी कई बार देखा गया कि बच्चा होंगे आर्ट्स का तो वह मतलब की करते हैं मैडिकल का कोर्स चूज करके मतलब फिल कर देंगे केस तो वह फिर रिफ्यूजल आनी ही आनी है तो अपना पता रिफ्यूजल आ जाती है इस करके सारिया गलों ध्यान च रखते हुए जे बच्चा आर्ट्स का तो उन्होंने आर्ट्स न रिलेटेड बहुत सारे कोर्स है सारिया कंट्रियां है अब सू आर्ट्स न रिलेटेड कोर्स ही चूज करना चाहिए जे बच्चा कमर्स का तो उसू अपन अगे बिजनेस का जो अकाउंट का कोई भी अपन कोर्स लै लेना चाहिए जे बच्चा नॉन मैडिकल का तो अपन कोई भी आई टी लाइन का कोई अच्छा कोर्स लैके देना चाहिए जिद अगे पी आर या वर्क परमिट कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस चीज़ों बहुत ही ध्यान नाल जांच पड़ताल करके ही अपन जो कोर्स है वह चूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो सर मैं एक होर गल पूछनी चाहूँगा जिमें कि किसी का कैनेडा जो स्टूडेंट्स का कैनेडा में स्टडी कर जाता है बच्चा तो वह स्टडी के नाल नाल वर्क भी कर सकता उत्थे तो जो वर्क करना चाहता हो कि टाइम वो वर्क कर सकता स्टडी के नाल नाल? हाँ जी सर बहुत अच्छा सवाल है तुहाडा क्योंकि अपने बच्चे ज़्यादातर पंजाबी ये कम करने ही ज़्यादा उत्थे जाके दौड़ते हैं कि असं होर ज़्यादा तो ज़्यादा डॉलर कमाइए पेरेंट्स की भी यही इच्छा होंगी है कि साढ़े बच्चे उत्थे ज़्यादा तो ज़्यादा घंटे कम कर सकन ते साढ़े ते फीसां दा बोझ घट पवे पर असी हर एक बच्चे नूं असी यही रिकमेंड करते हैं यही सलाह दिंदे हां कि तुसीं जिन्नी देर उन्हां दी पढ़ाई चलती है उन्नी देर तुसीं एक हफ्ते दे विच 20 घंटे तो ज़्यादा काम नहीं करना है 20 घंटे तो ज़्यादा काम करनगे तो वो मतलब उन्होंने वर्क परमिट दे विच उन्हां दी पी आर दे विच बहुत वड्डी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब कि सर किस तरह की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं क्रिएट होने सर अकॉर्डिंग टू रूल्स उन्होंने देशों के रूल्स ने वो जो देश ने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत चंगी तरह फॉलो करते हैं उन्होंने मुताबिक जिन्नी देर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उन्नी देर बच्चा एक हफ्ते के 20 घंटे ही काम कर सकता है यही अलाउड है। ठीक है। तो सर जो कोई अपना स्टूडेंट जो स्टडी कंप्लीट कर लेता बाहर जाके जी तो उन्होंने पी आर लेने कि टाइम कि समा लग जाता है?
सर आम तौर पर जो बच्चे अपने आफ्टर प्लस टू या आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं जा है उ स्टडी कंप्लीट करके आप जो देखे जाता सारे 2 साल की ही कोर्स लेंगे 2 साल तो बाद फिर उन्होंने 3 साल का वर्क परमिट मिलता। ठीक है जी। 3 साल वर्क करन तो बाद फिर पी आर की जो उनकी फाइल है वो बड़ी आसानी फिल हो जाती है, पर उसके विच भी कई गल्लां बहुत ध्यान रखने योग ने कि कई बच्चे ने जो स्टडी होर कंप्लीट करते हैं तो उत्थे वर्क है जो किसी होर तरीके का कैच कर लेंगे किसी यार दोस्तों के कहने पर या रिश्तेदार के कहने पर, जिदा कोई मेडिकल का स्टूडेंट है कोई ट्रक चला रहा है कोई जिदा कोई फर्ज कर लो कमर्स का है स्टूडेंट है वो मतलब फैक्ट्री वगैरह के होर उ असं देखा असं अखी देखिया उत्तर गल् उ आप देखिया ने चंगे भले ने पढ़े लिखे बच्चे जो ज़्यादा डॉलर कमाने के चक्कर के अपनी स्ट्रीम तो हट के दूसरे कामों स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा जो है जो धन कमाया जा सके, पर आफ्टरऑल की देखा जाता बाद उन्होंने पी आर के जो चीज़ा ने बहुत बड़ी रुकावट बन दी ने। ठीक है सर। तो सर जिमें कि अच्छा देखना है कि कई कैनेडा में 10-10 साल हो गए लेकिन उन्होंने हजे तक पी आर नहीं मिले, तो सर ये की मुख्य वजह कि जो पी आर नहीं हजे तक उन्होंने मिल पा रहा। हाँ जी सर, मैं थोड़ा जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थोड़ा, मैं तुम्हें पहला भी दसिया से ये कई रीजन है जिदा कि तुम आप पहला जो मैनशन कर चुके हैं ये सर की होंगे कि कई कॉलेज जो होंगे ने कहते कॉलेज होंगे ने बच्चे पास आउट जरूर हो जाते हैं उत्थे पर सरकार तो मानता प्राप्त नहीं होंगे है कि एक भी बहुत बड़ा रीजन है। उस तो बाद अपने स्टूडेंट की करते हैं जी जो 20 घंटे अलाउड होंगे ने एक मतलब एक हफ्ते के काम करने बच्चे जो इन चर बच्चा स्टडी कर रहा है अपने बच्चे जी डॉलर के लालच के कई बार ज़्यादा घंटे काम कर जाते हैं। एक होर सब तो वड्डी जो प्रॉब्लम आती है खासकर पंजाबी विद्यार्थी जो असीं देखिया कनेडा विच सब तो ज़्यादा कर रहे ने काम उत्थे ज़्यादातर असीं अपनी अखीं देखियां इह गल्लां वो अपनी पढ़ाई दे नाल रिलेटड जो जॉब है वो नहीं करते जो कि बहुत जरूरी है जल्दी पी आर होने वास्ते जो पॉइंट बेस से पी आर होंदी है वो पॉइंट पूरे करने वास्ते आपां नूं ये बहुत जरूरी है कि असीं जो पढ़ाई की है वो रिलेटड ही उत्थे वर्क करिए जिन्नी चिर साडी पढ़ाई चलती है उन्ना चिर असीं 20 घंटे तो ज़्यादा काम ना करिए उस तो बाद 40 घंटे काम जो होंदा जदों बच्चा कोई ड्रॉप वगैरह होंगे पिछले छे कोई कॉलेज ने जिदा शाइडन कॉलेज ज्यादा ड्रॉप देता कैम्बरियन कॉलेज ने पिछले काफ़ी लंबे लंबे ड्रॉप दते ने होंगे बच्चे 6 या 8 महीने की जो छुट्टियां होंगे ने बच्चे 40 घंटे ही एक हफ्ते के काम करना चाहिए इस तो ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए है ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अपने बच्चे फ्री होंगे है 7 दिन काम करने की कोशिश करते हैं कितना कितने वो जो पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाता है या फड़िया जाता है तो फिर वो भी एक जो नैगेटिव पॉइंट है वो पी आर होने के। तो सर इस मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिमें कि देखने चाह रहे पंजाब दे जो कि रिफ्यूजल केस हैं बहुत ज़्यादा हैं रैदर दैन जिम्मे गुजरात या साउथ इंडिया की गल करिए तो उत्थे रिफ्यूजल केस बहुत ही घट ने तो यदि सर जी एक तो मुख्य वजह दसी कि उन्होंने सही गाइडेंस नहीं मिल पाती तो सर मैं दूसरी एक होर पूछना चाहूँगा जो कि हजे भी चाह रखते हैं कैनेडा में जाके स्टडी करने लिए तो इसे उन्होंने वास्ते की सर हिला है कि कर सकते हैं जो हजे तक रिफ्यूज जिन्होंने निराशा ही हाथ लगी है या फाइल चक्की इधर तो उधर घूमते हैं इधरले ऑफिस उधरले ऑफिस लेकिन उन्होंने गाइडेंस नहीं मिल पा रही तो उन्होंने बारे तुम कोई सर चानन पाओ सा दर्शकों दसो की हो सकता उन्होंने। सर बहुत अच्छा थोड़ा प्रश्न है जी इहदा मेन कारण यह है जी सब तो ज़्यादा एजेंट ही पंजाब दे विच ने जगह जगह के एजेंट ने जी और गाइडेंस की जो है अच्छी तरह प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे एक दूजे तो ज़्यादा फाइलियाँ फाइल है जो इकट्ठिया कर दौड़ लगी हुई है हर एक एजेंट के मन के ज़्यादा तो ज़्यादा ऐड करके ज़्यादा तो ज़्यादा मैं सब तो ज़्यादा फाइलों इकट्ठिया कर लवा जो हम एक काम ज़्यादा अपने को हो जाता तो वो आप उस तरीके ध्यान नहीं दे पाते जिन्ने आप चीज़ को फाइल में ध्यान की जरूरत है इस ये भी एक यही मैटर है जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर जो एजेंट ने साडे मित्र ने जो साडे भरा ने वो ज़्यादा फाइलों इकट्ठिया करने के चक्कर ही कम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता फिर वो प्रॉपर उसके वल ध्यान नहीं दे पा रहे कि ना कि जो डेफिशेंसीज ने जो कमी ने वो रह जांदियां ने फाइल दे विच जो कि बहुत वड्डा रीज़न बनता हैगा जे इह जो रिफ्यूजल का और नाल दी नाल जिदा मैं तुहानूं दस्सिया वी कॉलेज अच्छे कॉलेज नालों जिथों ज़्यादा कमीशन आ रहा एजेंट नूं उहदे वल ज़्यादा ध्यान दिता जा रहा है कि कमीशन मोटा सानूं आ जावे ते रिफ्यूजल वल मतलब कोशिश की जा रही है कि मतलब ज़्यादा जितों सानूं कमीशन आ रहा उस कॉलेज में प्रैफर कर रहे हैं उत्थे वह फाइल लगा रहे हैं बहुत सारे साडे सज्जन मित्र इदां दे भी ने जो रिफ्यूजल लैण दे विच भी जो लखां करोड़ां रुपया साल का कमा रहे हैं बहुत एजेंट इदे भी ने जो रिफ्यूजल लै के भी मोटी कमाई कर रहे हैं अजकल पंजाब दे विच पर की स्टूडेंट्स नूं एक देखा देखी या ऐड दे सिर ते फिर भी उत्थे जाके वो अपनी रिटायर करा रहे हैं असीं कह रहे सजैसट कर रहे हैं कि प्लीज़ सारा कुछ सोच समझ के तुहाडे कोल बहुत सफिशेंट टाइम है खुला टाइम है काली ना करो बच्चों के फ्यूचर का सवाल है बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाओ इस करके सारा पुछ पड़ताल करके इधरों उधरों यार दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट जा चुके हैं उन्होंने राय जरूर लो
ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀਵਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗੇ ਜੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਜੋ ਟਫ ਹੈ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ PR ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਪ ਐਂਡ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕਰੀਅਰਸ ਐਟ ਅਬਰੋਡ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਕ ਨੰਬਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PR ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੋਮੀਨਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰਸ ਐਟ ਅਬਰੋਡ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਅਬਰੋਡ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।